वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आप देख रहे हैं, आज फिर मैं कहीं फिर जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ अपनी भांजी की बेटी जो छोटी सी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसका गिफ्ट लेने, क्योंकि माशाल्लाह से वो हो चुकी हैं 1.25 महीने की और आज उनका 1.25 महीना है मेरी सिस्टर के घर पर। ये देखिए, मैं गेस्ट शॉप पर पहुँच चुकी हूँ और दो तीन गिफ्ट मैंने डिसाइड किए हुए थे कि देखते हैं क्या हमें समझ आता है। यहाँ ज़्यादातर तो बड़े बच्चों की, थोड़े बड़े बच्चों की वैरायटी नज़र आ रही थी, न्यू बॉर्न की ऐसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हम वही नज़र दौड़ा रहे थे, ये भी 1 ईयर्स के लिए और से बफ के लिए साइकिल वगैरह सही रहती है। और दरअसल इतने छोटे बच्चे, वो तो बिल्कुल बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए कुछ इस तरह सोच रहे थे कि वो 1 साल तक जो चीज़ यूज़ कर सके। तो फिर हमें नज़र आई ये सॉफ्ट टॉयज़, फिर इसके साथ साथ रखी हुई थी ये बेबी सीटर, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बेबी सीटर। तो बस मैं फिर भी देख ही रही थी कि कुछ और मिल जाए, लेकिन फिर वही समझ में आई और आखिर में मैंने बेबी सीटर ले ली, जो मैं अभी आपको शो करवाती हूँ घर जाकर। क्योंकि फिर उसे हमने पैक करवाया, प्लास्टिक रैप ही करवाया था, और उसके बाद फिर घर जाकर आपको शो कराएंगे। और ये देखें, ये वाली हमने ली है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये तो हमने प्लास्टिक रैप इसको करवा लिया था, साथ में रैयान का गिफ्ट आप पहले ही देख चुके हैं मेरे पिछले व्लॉग्स में, तो वो रैयान की तरफ से है, क्योंकि रैयान छोटे मामू हैं उनके, तो उसके बेबी के, तो बहुत खुशी होती है उनको उसे देखकर। काफ़ी टाइम बाद उन्हें एक छोटा बच्चा इतना छोटा देखा है। अब मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ सिस्टर के घर, और मैं पहुँच के फिर वहाँ पर दिखाती हूँ आपको कौन कौन आया है और कहाँ तक पहुँची सबकी तैयारियाँ, और अभी तक कौन कौन पहुँच चुका है। आज तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो मेरे मामू वगैरह तो आ चुके थे और मेरी सिस्टर्स ने गिफ्ट भी पैक कर ली थी। मेरी सिस्टर अपनी बेटी को दे रही हैं अपनी तरफ से, और माशाल्लाह से छोटी बेबी भी बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी। ये देखे रैयान की खुशी का आलम। साथ में मेरी अम्मी भी मेरे घर अभी रहने आई हुई थी, अब आज वो चली जाएंगी भाई के घर, वो भी मेरे साथ यहाँ पर आई थी। और ये सब कज़न्स वगैरह बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, बस ये लोग आपस में मिलते हैं तो हल्ला गुल्ला चलता रहता है। साथ में देखिए खाने की तैयारियाँ भी चल रही हैं, देर भी आ चुकी है और बाकी रायते वगैरह की सेटिंग चल रही है। ये देखें खाना निकल रहा है, सब बच्चे मिलकर खाना निकाल रहे हैं, अब हम लोग कुछ देर में खाना खाएंगे और सेलिब्रेशन उसके बाद की जाएगी। और रैयान भी देखें घूम रहे हैं अकेले अकेले, आज माम नहीं आई है मेरी सिस्टर के साथ। और ये देखिए मेरे बहनोई जो हैं वो देख पर बैठे हुए हैं और डिशेस में खाना वगैरह निकाल कर दे रहे हैं। ये भी एक ड्यूटी होती है, एक बंदे को देख पर बैठना पड़ता है, तो ये काम मेरे बहनोई बहुत अच्छा अंजाम देते हैं, तो वो उन्होंने देख संभाल ली थी। इसके बाद हमने खीर खाई, खीर भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार थी, मेरी बहन की बहू ने बनाई थी और अब वो चाय बना रही थी, फिर उन्होंने सबको चाय सर्व की और अब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। और फिर सब ने गिफ्ट्स वगैरह दिए। रैयान को बहुत जल्दी हो रही थी गिफ्ट देने की, देखें और खड़े हैं अभी रैयान, अभी मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दिए हैं, अब रैयान जाएंगे गिफ्ट देने। और ये देखें रैयान गए हैं, अब इनकी स्नैप लेंगे। और इसके बाद बारी बारी फिर सब ने गिफ्ट दिए छोटी बेबी के को, उसके मम्मा पापा को,
अब मेरा बड़ा भांजा और उसकी वाइफ आएंगे और वो लोग गिफ्ट देंगे। इसके बाद मेरे छोटे भांजे ने गिफ्ट दिए और अब मेरी सिस्टर आ रही हैं। साथ साथ स्नैप्स भी ले रहे थे। और ये देखिए मेरी भाभी है, उन्हें गजरे पहनाए, मेरी भांजी को गिफ्ट दिया, छोटी बेबी को गिफ्ट दिया है। इस वक्त बज रहे थे रात के 12:30 और अभी सेलिब्रेशन कंटिन्यू थी। अब मेरी अम्मी जा रहे, ये देखिए अभी मेरी अम्मी है अपनी नवासी के साथ, नवासी की बेटी के साथ, बल्कि अब मेरी अम्मी जो हैं परनानी बन चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और देखें उनकी भी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और देखें सब गिफ्ट मिल चुके हैं। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे फ्रॉक हैं जो कि मेरी मामू मुमानी ने दिए थे। शूज़ बहुत ही क्यूट लग रहे थे, फ्रॉक भी माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट हैं। और इसके अलावा मेरी भाभी ने मेरी भांजी को सूट दिया है, साथ में उसके हस्बैंड को भी दिए हैं शर्ट, सेम कलर के हैं दोनों के। और इसके साथ ही उनकी बेटी को, मतलब छोटी बेबी को, उन्होंने दिया है बहुत ही क्यूट सा गरारा सूट। अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा है। गर्ल्स के कपड़े में भी तो वैसे भी बहुत ही क्यूट लगते हैं और इस तरह के कपड़े शरारा गरारा छोटा सा बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये भी देखें आप लोग, बहुत ही क्यूट था जिसका छोटा सा गरारा और साथ में छोटा सा दुपट्टा, माशाल्लाह से पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। और साथ में ये कैजुअल सूट है। साथ में ये प्ले जिम भी मेरी भाभी ने दी है। बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि बच्चों को लिटा दें। और इसमें ये ऊपर इसका स्टैंड है, इसमें टॉयज़ हैंग हुए हैं, बच्चों की काफ़ी एक्टिविटी चलती है, बहुत काफ़ी वो देखकर हाथ पैर अपने चलाते हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छे एक एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखें ये इस तरह इसे फ्लोर पर हम बिछा कर बच्चे को इसके ऊपर लिटा देंगे और जो स्टैंड है ऊपर फिक्स हो जाते हैं और उसमें टॉयज़ हैं तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, जो कि उनकी मदर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कि बच्चे थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं तो अम्माएँ जल्दी जल्दी अपने काम निपटा सकती हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और यूज़फुल चीज़ है। बस इसी तरह सब ने गिफ्ट्स देखे, इंजॉय किया, बातें की और इसके बाद सब अपने अपने घर की तरफ रवाना होने की तैयारी में लग गए। और अब हम सब खड़े हैं एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए। फिर इंशाल्लाह दोबारा गैदरिंग होगी, फिर मिलेंगे आपको, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि नेक्स्ट हम अब किसके घर का टूर होता है और कहाँ जाते हैं, आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।